गुड मॉर्निंग, और हैं हम लोग फिलहाल तो उड़ीसा वाले घर पे। स्नफी फिलहाल वो मम्मी पापा को बहुत परेशान कर रहा है। कहाँ गया वो? वो रहा। हे छी छी, हे उसका पैर देखो लाल माटी कर दिया। छी, विवान। तो अभी ना मैं इतने धूप में मम्मी का दुपट्टा एकदम ओढ़ के निकली हूँ। किस लिए? आम तोड़ने के लिए। पापा बोल रहे हैं कि वो आम गिर जाएगा पेड़ से, तुम तोड़ लो। पक गए एकदम अच्छे। तो तीनों तोड़ लूँ कि एक ही तोड़ूँ? कंफ्यूज्ड। वो एक ये वाला अच्छे से पक गया, वो एक और ये वाला अच्छे से पक गया। तीन ठो ही तोड़ लेते, इसको रखते हैं नीचे। ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, तोड़ गया। कहाँ गया और एक ठो? आबा बढ़िया। देख रहे हो कितना बड़े बड़े आम हैं, लेके जाते हैं घर। और ये सबस स्नफी के लिए ना मम्मी ने नया टॉय निकाल दिया, तो उसको लेके आराम से वो खेल रहा है अपना। और हम मैं और मम्मी जा रहे हैं फिलहाल तो किचन, क्योंकि पापा सुबह सुबह मटन लेके आए हैं, तो मटन बनाऊंगी। स्नफी, इधर मम्मी स्नफी का चावल बना रही है। और यहाँ पे मैं अपना मटन बना रही हूँ। और फिलहाल हम लोग लंच करने बैठ गए हैं। चावल, एग फ्राई, मटन और आम। और ये आम जो है हमारे पेड़ का है, जो आज सुबह ही तोड़ के लेके आई थी मैं। और लंच करने के बाद यहाँ पे एसी ठीक करवाने के लिए अंकल आ गए हैं, तो वो बाहर ठीक करें, फिर ठीक करने के बाद सर्विसिंग भी होगा। और ये हमारा घर का बंदर देखो बाहर से अंदर झांक रहा है। इधर स्नफी को देखो, वो देखो उसका दुश्मन आ गया। स्नफी क्या हो गया? गाड़ी के अंदर से भौंक रहा है। सो दोपहर से लगे थे अभी तक, और एसी ठीक होके लग गया है। एंड देखो ये है आफ्टर इफेक्ट, इतना धूल है। सबको साफ करके भी हम लोग बैठ गए हैं प्रसाद खाने के लिए रथ यात्रा का। यहाँ पे लाइक हर टाइप का मिठाई है, जलेबी है, ये इसको गोजा बोलते हैं हम लोग बंगाली में, और लड्डू है। तो ये सब प्रसाद है रथ यात्रा का। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, तो फैन बाहर रहता है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए पापा ग्रिल बनवा रहे हैं ताकि चोरी ना हो। और मतलब एक ठीक किया तो दूसरा ख़राब हो गया। यहाँ पे टीवी हम लोग का ख़राब हो गया, तो उसके रिपेयरिंग के लिए भी पापा लेके जा रहे हैं इसको। अभी पास में ही होता है, वहीं पर लेके जा रहे हैं। इतना धूप बाबा, वहाँ से यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है। पता था लेकिन बारिश हो रहा है चारों तरफ। इधर बारिश जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा। सही बोला। ये माँ को देख लिया तुम? इसको डंडा को ले ही लिया था? नहीं, मैं वो लेके आई थी। उसको धूप पे दे दो, वहाँ पर मत झाड़ो। पापा ने झाड़ू मारा क्या? कीड़े का दुकान है इधर। यह रोजो स्पेशल पान, एक ही लेके आए थे पापा। बारे पे मैं खाऊंगी वहाँ के। वो आपको खाओ, खोल के दिखाओ। हाँ खोल के दिखाओ, खोल के दिखाओ। मिष्टी पान, ये रोजो स्पेशल मिष्टी का पान देखो। अरे पापा, मिर्ची है क्या? नहीं, चेरी है। इसके अंदर क्या क्या भरा रहता है बस देख लो आप लोग, गैस कर लो। रोजो पान, रोजो में हम लोग पान खाते हैं। वो अलग ग्रीन उड़िया लोग। हाँ उड़िया लोग। हाँ तो ये है रोजो पानो, एंड ये पान हम लोग रोजो में खाते हैं। रोजो आई थिंक उड़ीसा में ही मनाया जाता है, तो उसके स्पेशल में हम लोग पान खाते हैं। इसे फोल्ड करके इसको इधर, फिर चेरी को घुसा दो, लगा दो। हाँ
नहीं तो खाते हैं और कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ के आता है थोड़ा बहुत, नहीं खाना मुझे। खाओ ना, खाओ। गर्मी में ऐसे कैसे नहीं बोल देना, रुको रुको मैं खाओ। हाँ बाप रे, गिर ना जाए, डर लग रहा है। हाँ इसका तो अंदर स्टफ गिर जा रहा है। अबे मुंह में ठूसो, छोटा पार्टी है, पानी बहुत बड़ा है। हो गया क्या? भरा खा नहीं पाए इसको, हाथ में हाथ में रख दिया। इतना बड़ा पान, इतना छोटा मुंह है उसको। ए उसमें थूकने वाले कुछ चीज ही नहीं है। अच्छा चबा कर खा ले। पान खाने से ना लाइक डाइजेशन अच्छा होता है ना। ऐसा हाल क्यों है गर्मी में? बहुत गर्मी इधर भाई। बारिश होता है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, और इलेक्ट्रिसिटी होता है तो बारिश नहीं होती। ये बदनाम मत कर। बदनाम वाली बात नहीं है, सच्ची घटना है यहाँ पे। देखा ना पान खाने का बात किसको, ये ठीक है। मुझे लगा दांत अगर लाल हो गया ना, ना वो दांत में लगेगा, साफ करने दिया है। अरे खाल तो ले पूरा। बाप रे अब खाओगे? नहीं नहीं नहीं, मुंह में घुसाया था। छी मस्त लगता है, खा के देखना। इस बार ऐसा मौका, हम लोग का पान खाने में थोड़ा लेट हो गया ना, मम्मी इधर आने में थोड़ा सा लेट हो गया। और रोजो तो बस उड़ीसा में ही मनाया जाता है, तो 14-15 को था और हम लोग पान खा रहे 16 तारीख को। अभी भी मिल रहा है, अच्छी बात है। ऐसा पान मिलता है वहाँ पे मम्मी कोलकाता में? मिलता होगा, मिलता होगा शायद। हाँ मिलता होगा, हम लोग रोजो स्पेशल पान होगा। Okay.